मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर कई लोगों के लिए सूजन, दर्द, मसल्स पेन होना आम बात बन जाती है। ऐसे में ये होता है कि दर्द को झट से खत्म करने के लिए हम पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आप तो जानते ही हैं ना कि पेन किलर के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि किसी भी तरह की दवाई इस्तेमाल करने से पहले हम कुछ ऐसे उपाय करें जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें राहत पहुंचा जाएं। और ऐसा ही एक इलाज है सिकाई। जी हाँ, सूजन, दर्द और मसल्स पेन में गर्म पानी या फिर बर्फ़ वाली सिकाई बेहद अच्छी मानी जाती है। पर अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि बर्फ़ की सिकाई कब की जाती है और गर्म पानी की कब, तो ये असमंजस आज हम ख़त्म कर देते हैं और आपको बताते हैं कि किस दर्द के लिए हमें किस तरह की सिकाई करनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जोड़ों में दर्द या फिर सूजन की। अगर आपको शरीर के किसी जोड़ में दर्द के साथ सूजन भी हो, तो इसकी वजह ज़्यादा काम या फिर मसल्स में खिंचाव भी हो सकता है। ऐसे में इस तकलीफ के लिए आपको बर्फ़ की सिकाई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए पैरों को दिल की ऊंचाई तक तकिया लगाकर ऊंचा करें, चोट वाले स्थान पर बर्फ़ की सिकाई करें। बात करते हैं पीरियड में होने वाले दर्द को ख़त्म करने के लिए सिकाई की। पीरियड के दर्द में गर्म पानी के हीटिंग पैड का इस्तेमाल राहत लाता है। इस दौरान गर्म पानी में पेट की मसल्स की सिकाई आपको आराम देगी। जब भी चाहें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक गर्म पानी में सिकाई करें। अगर आपको पीठ में दर्द है तो गर्म पानी की सिकाई एक बढ़िया इलाज है। इसके लिए हीटिंग पैड में गर्म पानी भरकर कमर की सिकाई करें। ये तब ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपको अक्सर पीठ में दर्द रहता है। अगर दर्द पहली बार है तो बर्फ़ की सिकाई आपके लिए कारगर होगी। बात करेंगे सिर दर्द की। सिर दर्द होने पर बर्फ से सिर की सिकाई सिर दर्द को दूर करती है। गर्म पानी से सिर के मसल्स को आराम मिलता है, इसीलिए गर्म पानी की सिकाई भी कारगर साबित हो सकती है। इसे गर्दन पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे अर्थराइटिस के दर्द की। शरीर के जोड़ों में जमकर दर्द और कड़कपन में आपको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। गर्माहट कड़क मसल्स को नरम करती है और इन जगहों पर खून का बहाव बढ़ाती है। जोड़ों में आराम के लिए करीब 20 मिनट तक गर्म पानी से सिकाई करें। इस दौरान आराम की पोजीशन में रहें। तो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह के दर्द में किस तरह की सिकाई आपको करनी चाहिए ताकि आपको आराम मिल सके। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही है।